लखनऊ में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि यूपी से कांग्रेस पार्टी की शुरुआत हुई थी और यहां कांग्रेस कमजोर नहीं रह सकती। उन्होंने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 साल में हिंदुस्तान को क्या दिया है, चौकीदार ने एक भी रोजगार नहीं दिया। इस दौरान उन्होंने चौकीदार चोर है के नारे भी लगवाए। और आपने नतीजा देख लिया है, कांग्रेस पार्टी और उत्तर प्रदेश के हर नागरिक ने नतीजा देख लिया है। नरेंद्र मोदी ने 5 साल में हिंदुस्तान में क्या किया, ये देखिए, युवा ताली बजा रहे हैं, ये यहां से कह रहे हैं चौकीदार ने हमें एक को रोजगार नहीं दिया। ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने कहा था 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार मिलेगा और नरेंद्र मोदी ने सिर्फ अनिल अंबानी को फायदा पहुंचाया। हिंदुस्तान के किसान कहते हैं 3.5 लाख करोड़ रुपए 15 लोगों का माफ किया जा सकता है, मगर हिंदुस्तान के किसान का कर्जा माफ नहीं किया जा सकता है। चौकीदार, ये हिंदुस्तान की सच्चाई है। मगर हमने इन दो लोगों को क्यों भेजा, मैं आपको बताना चाहता हूं भैया, लाइव लीजिए। क्योंकि उत्तर प्रदेश से कांग्रेस पार्टी की शुरुआत हुई थी और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमजोर नहीं रह सकती है। हेलो, हाँ भैया प्रशांत, और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को खड़े करने का काम मैंने प्रियंका जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को दिया है। जरूर हमारे सामने लोकसभा का चुनाव है, मगर मैंने इनको कहा है लोकसभा चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस होना चाहिए, मगर असेंबली चुनाव में कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बननी पड़ेगी। ये देखिए, ये आप दोनों की जिम्मेदारी है, ये आप दोनों की जिम्मेदारी है। और आप यहाँ जो लोग खड़े हैं, आरपीएन सिंह जी, प्रमोद तिवारी जी, पुनिया जी, जितिन जी, ये जो पूरी टीम यहाँ खड़ी हुई है, संजय सिंह जी, ये आप लोग हैं। अब एक ही रास्ता है, जमीन से लड़ाई होगी। देखिए, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, और ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मैसेज है आपके लिए, उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस पार्टी को खड़ा करना है तो जमीनी नेताओं को आगे बढ़ाना पड़ेगा, जमीनी नेताओं को बढ़ाना पड़ेगा। ये आप दोनों की जिम्मेदारी है, तीनों की जिम्मेदारी है। जो हाई फ्लायर्स हैं, हेलीकॉप्टर में, हवाई जहाज में उड़ते हैं, उनसे आपका यहाँ काम नहीं होने वाला है। काम होगा तो जो गांव में लड़ेगा, जो शहरों में लड़ेगा, जो सड़कों पे लड़ेगा, जो कस्बों पे लड़ेगा, वो काम के लोग हैं, उनको आप आगे बढ़ाइए और देखिए कांग्रेस पार्टी कैसे खड़ी होती है। आप सबको दिल से धन्यवाद कि आप इतनी जोरों से, इतनी शक्ति से आप लोगों ने हमारा स्वागत किया। और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, देश के युवाओं से कहना चाहता हूं, देखिए नरेंद्र मोदी जी आए थे, उन्होंने कहा था 56 इंच की छाती है, 56 इंच की छाती है, मैं चौकीदार बनना चाहता हूं, मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता हूं। अब देखिए, सुनिए, एक के बाद एक सच्चाई निकल रही है। 2-3 दिन पहले अखबार में आता है कि चौकीदार ने पैरेलल नेगोशिएशन किया था। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर आज काफी खास दिन रहा। आज यहां पर कांग्रेस कार्यालय से राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी वाड्रा और ज्योतिरादित्य सिंधिया को सौंपी है। ये एक बड़ा कदम है, इससे कांग्रेस में काफी उछाल मिलने की संभावना है। जहां एक ओर उत्तर प्रदेश की राजनीति में सपा और बसपा गठबंधन पर चर्चाएं हो रही हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के इस कदम से कांग्रेस ने लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है और प्रियंका से लोगों को काफी उम्मीद है। आज इस मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते हुए अपने कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी ने राय दी है कि हमारे पास मुद्दों की कमी नहीं है, हम तमाम मुद्दे, चाहे किसान के मुद्दे हों, चाहे नौजवान के मुद्दे हों, चाहे राफेल का मुद्दा हो, इस मुद्दे पर बातचीत करते हुए इस बात का जिक्र कर सकते हैं कि हमारा चौकीदार मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चोर हैं। लखनऊ से प्रशांत मिश्रा, ETV।